हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी में अच्छी नींद आने के लिए हमें कौन से पोजीशन में सोना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा कॉमन है। बहुत से महिलाओं को नींद लगने में प्रॉब्लम आती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में। सो अच्छी नींद प्रेगनेंसी में क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सेकेंड थिंग, कौन सी स्लीपिंग पोजिशन बेस्ट होती है प्रेगनेंसी में। थर्ड थिंग, इस वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना है ताकि मैं आपको दे पाऊँ टिप्स अच्छी नींद आने के लिए, राइट? सो मुड़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सो फर्स्ट थिंग कि आपको अच्छी नींद क्यों आना चाहिए, इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं प्रेगनेंसी में। अगर आपको अच्छी नींद लगती है तो जो आपका प्रेगनेंसी में ब्लड वॉल्यूम बढ़ा हुआ होता है, यानी कि प्रेगनेंसी ये जो होती है ये हाइपर वॉल्यूमिक स्टेट होती है। ब्लड वॉल्यूम बढ़ने की वजह से आपका अनड्यू प्रेशर आता है ब्लड का, ब्लड वेसल्स के ऊपर, जिसकी वजह से कुछ इंट्रायूटराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन आपका फिटस के ऊपर आ सकता है अगर आपको अच्छी नींद नहीं लगती है, या फिर बीपी बढ़ने का खतरा यानी कि प्रीक्लैम्पशिया का भी खतरा होता है। देन सेकेंड थिंग, अगर आप अच्छी नींद नहीं ले पाते हो तो आपका जो इंसुलिन सिक्रीशन है वो सही नहीं होगा। इंसुलिन सिक्रीशन अगर सही नहीं होगा तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है और इसकी वजह से आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने का भी खतरा होता है। सो अगर आप अच्छी नींद लेते हो तो ये भी खतरा कम हो जाता है। थर्ड थिंग, अगर आप अच्छी नींद लेते हो तो आपका इम्यून सिस्टम भी सही तरीके से काम करता है, क्योंकि प्रेगनेंसी ये ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट होती है, इसमें इम्यूनिटी आपकी काफ़ी कम हो जाती है। सो अगर आप अच्छी नींद लेते हो तो आपका इम्यून सिस्टम भी हेल्दी रहेगा। एंड लास्ट थिंग, अगर आप अच्छी नींद लेते हो तो नेक्स्ट डे आप सही तरीके से फिजिकली या इमोशनली स्टेबल होके हाउस होल्ड एक्टिविटीज या फिर आप वर्किंग वूमन हो तो आप सही तरीके से कर पाओगे। सो इसीलिए हेल्दी बेबी और हेल्दी मदर के लिए अच्छी नींद होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नौशिया, वॉमिटिंग, बैकएक या कॉन्स्टिपेशन, ये सब शिकायत की वजह से आपको अच्छी नींद लगने में प्रॉब्लम आती है, या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में एब्डोमेन यानी कि बेली आपका बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से भी बहुत से दिक्कतें नींद लगने में आती है। सो वन बाय वन आज हम देखने वाले कि कौन सी बेस्ट पोजीशन है आपको प्रेगनेंसी में सोने के लिए। सो सबसे पहले तिमाही में यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको कौन सी पोजीशन में सोना चाहिए। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप कोई भी पोजीशन में सो सकते हो, क्योंकि आपका एब्डोमेन यानी कि पेट का साइज अभी फिलहाल इतना बड़ा नहीं है। सो आप कोई भी पोजीशन में सो सकते हो। जनरली जो स्लीपिंग पोजीशंस होते हैं वो इस प्रकार होती है। फर्स्ट थिंग इज सुपाइन पोजीशन, यानी कि पीठ नीचे की तरफ और पेट ऊपर की तरफ होता है। सेकंड है प्रोन पोजीशन, जिसमें पेट नीचे की तरफ और पीठ ऊपर की तरफ होती है। एंड थर्ड एंड फोर्थ इज राइट एंड लेफ्ट लैटरल पोजीशन। सो ये कोई भी पोजीशन में आप सो सकते हो। देन सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में जनरली मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो पोजीशन आपको अवॉइड करना चाहिए वो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी। सो सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में यानी कि जनरली 20 वीक्स के बाद या 28 वीक्स के बाद आपको बैक पोजीशन में सोना अवॉइड करना चाहिए। वो इसलिए, जैसे जैसे आपका यूट्रस का साइज बढ़ता है, आपके जो इम्पॉर्टेंट या मेजर ब्लड वेसल्स होते हैं अगर आप बैक पोजीशन में यानी कि सुपाइन पोजीशन में सोते हो तो इसकी वजह से ये कंप्रेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके हार्ट को भी ब्लड सप्लाई कम होगा और आपकी हार्ट की तरफ से जो यूट्रस को ब्लड सप्लाई होता है प्लासेंटा के थ्रू, यानी कि आपके बच्चे को जो ब्लड सप्लाई होता है वो भी ब्लड फ्लो कम हो सकता है अगर आप बैक पोजीशन में सोते हो, जिसकी वजह से आपके बेबी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं अगर आप ज़्यादा देर के लिए बैक पोजीशन में सोते हो। थर्ड थिंग, यूट्रस का प्रेशर इंटेस्टाइन के ऊपर आने की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी हो सकती है, हेमोराइड्स या पाइल्स की शिकायत हो सकती है, आपको बैकएक भी हो सकता है। और सुपाइन हाइपोटेंशन एक टर्मिनोलॉजी होती है, सुपाइन, यस, सुपाइन यानी कि बैक नीचे की तरफ और पेट ऊपर की तरफ, ये पोजीशन में अगर आप सोते हो तो आपको हाइपोटेंशन यानी कि बीपी कम होने का भी खतरा रहता है। बहुत से बार महिलाएं ऐसे भी कहती है कि मैम मैं अगर मुझे सोने के बाद चक्कर आते हैं। जी हाँ, अगर आप बैक पोजीशन में ज़्यादा देर के लिए सोते हो 9th मंथ में, जबकि यूट्रस का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स को कंप्रेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको डिजीनेस, चक्कर आना, थोड़ा बहुत सांस लग सकती है। सो ऐसा अगर आप महसूस करते हो तो आपको इमीडिएटली लेफ्ट लैटरल पोजीशन ले लेना चाहिए। सो सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में बैक पोजीशन जनरली अवॉइड करना है, या फिर राइट लैटरल पोजीशन भी जनरली आपको अवॉइड करना है। राइट लैटरल पोजीशन में अगर आप ज़्यादा देर के लिए सोते हो तो आपके लीवर को भी ब्लड सप्लाई कम रहेगा। सो इमीडिएटली वन थिंग आपको ये चीज़ ख्याल में रखनी है कि राइट लैटरल पोजीशन इमीडिएटली आफ्टर टेकिंग फूड, खाना खाने के बाद आपको बिल्कुल नहीं सोना चाहिए, राइट?
सो थोड़ा बहुत आप राइट लैटरल पोजिशन में सो सकते हो। देन द बेस्ट पोजिशन जो सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में होती है वो है लेफ्ट लैटरल पोजिशन। ये पोजिशन में अगर आप सोते हो तो यूट्रस का जो इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स है वो उनका ब्लड सप्लाई हैम्पर नहीं होगा, वो सही तरीके से रहेगा, जिसकी वजह से आपके बेबी को भी ब्लड सप्लाई सही रहेगा। एंड सेकेंड थिंग, जो ब्लड सप्लाई है बाकी ऑर्गन्स को वो भी सही रहेगा, किडनी को भी ब्लड सप्लाई सही रहेगा, जिसकी वजह से आपकी किडनी सही तरीके से फंक्शन कर पाएंगी, आपके बॉडी में से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो सही तरीके से निकल पाएंगे, जिसकी वजह से जो थोड़ी बहुत स्वेलिंग होती है प्रेगनेंसी में फीट के ऊपर, एंकल्स के ऊपर, हैंड्स के ऊपर, वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है अगर आप लेफ्ट लैटरल पोजिशन में सोते हो। सो लास्टली मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप सुपाइन प्रोन राइट या लेफ्ट लैटरल कोई भी पोजिशन में सो सकते हो, बट ज़्यादा देर के लिए अगर आप लेफ्ट लैटरल में पोजिशन में सोते हो तो भी वो अच्छा रहेगा, इवन बैक पोजिशन में भी आप सो सकते हो। सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको बैक पोजिशन जनरली अवॉइड करना है, और प्रोन पोजिशन तो जनरली डिफिकल्ट ही हो जाती है। प्रोन पोजिशन में एब्डोमेन ज़्यादा बढ़ने की वजह से या फिर ब्रेस्ट का साइज बढ़ने की वजह से आपको ब्रेस्ट टेंडरनेस फील हो सकती है। सो प्रोन पोजिशन यानी कि उल्टा आपको बिल्कुल नहीं सोना चाहिए, और बैक पोजिशन भी अवॉइड करना चाहिए। थोड़ा बहुत राइट लैटरल पोजिशन या मोस्टली लेफ्ट लैटरल पोजिशन में आपको सोना चाहिए। एंड एट लास्ट कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूँगी सही तरीके से नींद लगने के लिए, वो ये है कि रात को सोने से पहले आपको 2 घंटा पहले आपका जो डिनर है यानी कि रात का खाना है वो हो जाना चाहिए, राइट। और रात को सोते वक्त आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी ऑयली फूड या फैटी फूड नहीं खाना है, जिसकी वजह से आपको बीच रात में आपकी नींद खुल सकती है। सो इसीलिए आपको लाइट डाइट रात को सोने से पहले लेना चाहिए, वन थिंग। नेक्स्ट थिंग, आपको लूज फिटिंग क्लॉथ सोने से पहले पहनना चाहिए, आपको बहुत ही टाइट फिटिंग क्लॉथ्स नहीं पहनना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, उसके बाद में आपको अगर वार्म वाटर बाथ लेके आप सोते हो तो ये भी आपके लिए एक सूदिंग इफेक्ट हो सकता है। बहुत से बार जब भी आपको रात में नींद लगती है और नींद में से आप उठ के वॉशरूम के लिए जाते हो तो बहुत से पेशेंट को चक्कर आते हैं। सो ये थिंग आपको देखना चाहिए कि जब भी आप लेट के उठते हो तो पहले बैक पोजीशन से आपको लेफ्ट लैटरल पोजीशन में आना चाहिए, फिर उसके बाद आपको पैर पहले फ्लोर के ऊपर टिकाना चाहिए बेड के ऊपर से, हाफ 30 सेकंड 1 मिनट के लिए आपको वो पोजीशन में रुकना चाहिए, एंड देन आपको चलने के लिए तैयार होना चाहिए। एकदम से उठ के आपको चलना नहीं है, ऐसे केसेस में सुपाइन हाइपरटेंशन, अगर आप बैक के ऊपर सोते हो और एकदम से उठ के चलने लगते हो तो आपको चक्कर आ सकते हैं। देन नेक्स्ट थिंग, कुछ मैटर्निटी पिलोज अवेलेबल है ऑनलाइन, अगर ये पिलोज का आप इस्तेमाल करते हो तो इससे भी आपको नींद लगने में काफ़ी हेल्प होती है। कुछ वेज शेप पिलोज होती है, कुछ 5 फीट लॉन्ग पिलोज होती है, उसे अगर आप इस्तेमाल करते हो तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। फिर जो महिलाएं को बैक पोजिशन लेफ्ट लैटरल पोजिशन में ज़्यादा देर तक नहीं सो पाते हैं तो थोड़ा सा बैक पोजिशन से आप लेफ्ट लैटरल की पोजिशन की तरफ मुड़ के बैक की तरफ आप पिलो रख सकते हो, या फिर 2 पैरों के बीच में अगर आप पिलो रख के कोई भी लैटरल पोजीशन में सोते हो तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। सो टेक होम मैसेज फ्रॉम टुडेज वीडियो इज़, कोई भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप कोई भी पोजीशन में सो सकते हो, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में जनरली आपको बैक पोजीशन या राइट लैटरल पोजीशन अवॉइड करना चाहिए, और लेफ्ट लैटरल पोजीशन में आपको ज़्यादा देर के लिए सोना चाहिए। इसका मतलब ऐसा नहीं है अगर आप बैक पोजीशन में आप बिल्कुल नहीं सो सकते हो, आपको ज़्यादा देर के लिए बैक पोजीशन में नहीं सोना चाहिए, बट जो बेस्ट पोजीशन है जिसमें आपको यूट्रस आपके बेबी को सप्लाई आपकी हेल्थ बनी रहे वो है लेफ्ट लैटरल पोजीशन। सो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में से ज़रूर शेयर कीजिए, और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को विद बेल बटन सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।